अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। हेलो, आई एम कुलदीप नामदेव। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग माय इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वीडियोस। नाउ आई एम बैक विद अ नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड द केस इज लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स। ओके, क्वेश्चन इज अ 70 mm लॉन्ग लाइन पी क्यू, यानी कि एक लाइन है जिसका एक्चुअल लेंथ 70 mm है। तो लाइन पी क्यू का ट्रू लेंथ क्या है? 70 mm है। हैज इट्स एंड पी, यानी कि पी वाला जो एंड है वो 20 mm अबव एच पी, यानी कि पी कितना ऊपर है? 20 mm अबव एच पी। एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, यानी कि वही एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी भी है, यानी कि वी पी से कितना इन फ्रंट में एंड पी 30 mm, यानी कि अबव 20 है पी और इन फ्रंट कितना है 30 mm। द लाइन इज इंक्लाइंड एट 45 degree टू द एच पी, यानी कि एच पी जो एंगल है आपको ऑलरेडी पता है वो थीटा है। तो थीटा कितना गिवन है? 45 degree एंड 30 degree टू द वी पी, यानी कि फाई कितना है? 30 degree। दिस एंगल इज फाई, फाई कितना है? 30 degree। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, हमें इसके फ्रंट और टॉप व्यूज ड्रॉ करने हैं। तो डेटा जो दिया हुआ है मैं नोट डाउन कर लेता हूँ और साथ साथ में एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लिया है और क्वेश्चन में डेटा गिवन था, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया ताकि इसी से आपको समझाने में आसानी हो। अब उनको क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है, मगर मैंने यहाँ पे आपके सहूलियत के लिए फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रखा। ये अपना सॉल्यूशन है और इसको देखते हुए ही अपन सारी लाइन्स ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। ये फिगर मैंने लेक्चर नंबर 3 में समझाया था, ये फिगर क्यों बनेगा, कैसा बनेगा, जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ें मैंने लेक्चर नंबर 3 में इन्वॉल्व की हैं। अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 3 इस वीडियो के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं, वहाँ से ये पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो हमको क्या दिया? पी कितना ऊपर दिया है? 20। और कितना इन फ्रंट मतलब नीचे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पी कितना नीचे? 30। तो पी डैश 20 ऊपर बनेगा और 30 mm नीचे क्या बनेगा? पी। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो मैंने रेफरेंस लाइन पे गया, यहाँ से मार्क किया मैंने 20 ऊपर, तो 20 ऊपर मैंने मार्क किया और 30 मैंने नीचे मार्क किया, इट इज़ 1, 2 एंड 3। ये 30 मैंने मार्क किया। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिस पॉइंट इज पी डैश एंड दिस पॉइंट इज पी। तो पी और पी डैश मैंने मार्क कर लिए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं ना आप। मैं कैमरे को और अच्छे सेट कर देता हूँ। ओके, जैसे आप देख पा रहे हैं पी और पी डैश मैंने मार्क कर लिए। तो यहाँ से इसका लोकस में ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक दिस, एक लोकस में यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक दिस। की लेंथ मुझे नहीं पता है अभी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पी डैश पी मान मुझे मिल चुका है। यहाँ पे दो लाइन है, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। दिस इज़ ट्रू लेंथ, दिस इज़ ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ विद द एच पी, ट्रू लेंथ विद द बी पी। अब देखिए ये लाइन मुझे ड्रॉ करना है, अगर है ना ये लाइन ड्रॉ करना है तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? इसका मुझे ये लाइन होती है ट्रू लेंथ की, ये लाइन और ये लाइन दोनों ट्रू लेंथ की हैं, दोनों आपस में बराबर भी होती हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? इसका लेंथ पता होना चाहिए, इसका एंगल पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में इसका ट्रू लेंथ आपको दिया हुआ है, इसका एंगल थीटा ये भी दिया हुआ है, यानी कि इस लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इस लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ओके, कितना एंगल दिया है? थीटा 45 degree दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, कितना एंगल पर? 45 degree पर। तो 45 degree ये रहा, ठीक है। और एक लाइन मैंने यहाँ से लाइट लाइन ड्रॉ कर लिया अभी, कि कोई इशू नहीं है। ये एंगल यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस एंगल इज 45 degree, ठीक है। थीटा 45 degree मैंने ले लिया है। यहाँ पे एरो से भी मैं इसकी डायमेंशनिंग सही तरीके से कर देता हूँ, दिस इज 45 degree। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे यहाँ पे देखना है इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से पी डैश क्यू वन डैश की लेंथ कितनी है? टू लेंथ के बराबर, दैट इज 70। तो मुझे क्या करना होगा? कॉम्पास में डिस्टेंस लेना है 70 के बराबर। किसके बराबर लेना है? 70 के बराबर। तो कॉम्पास में मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ 70 के बराबर। ओके, तो कॉम्पास में डिस्टेंस 70 के बराबर ले लिया है। तो पी डैश को सेंटर मानते हुए मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया। जहाँ पे कट किया ये पॉइंट कौन सा हो गया? अब देखिए ये पॉइंट कौन सा है? Q डैश नहीं है, दिस इज Q1 डैश। तो इसका नाम हो जाएगा
Q1 dash। ठीक है, मुझे क्या मिल गया, Q1 dash मिल गया। जैसे ही Q1 dash मिला, मैंने XY के पैरेलल इसे ड्राफ्टर को सेट किया और यहाँ से एक लोकस ड्रॉ कर लिया। क्या ड्रॉ कर लिया, मैंने एक लोकस ड्रॉ कर लिया। लोकस को नाम चाहे दे दे ना दे, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम मैंने M और M डैश दिया, तो इसको देता हूँ M और इसको M डैश नाम दे दिया मैंने। ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली थी। अब ये लाइन नीचे की ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, देखिए P पॉइंट है ना मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल। तो ये लाइन लेंथ टू लेंथ की है, ये 70 mm है और ये एंगल कितना है, 5 है। ये 5 एंगल मुझे पता है, तो इस लाइन को भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो कितना एंगल लेना है मुझे इसके लिए, 30 डिग्री एंगल लेना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गया और मैंने यहाँ से 30 डिग्री एंगल लिया। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की मैंने, जिसकी लेंथ मुझे नहीं पता है। सॉरी, अभी लेंथ में ले सकता हूँ कुछ भी, मगर अभी मुझे पता है कि इसकी लेंथ कितनी है, 70 है। तो 70 यहाँ पर थी, सेम लेंथ मैंने यहाँ से लिया और ये यहाँ से इसको कट कर दिया। ओके, आपको दिख रहा है। ओके, मैं उसको और शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको विजिबल होगा। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, अब देखिए, ये ट्रू लेंथ पे एंगल ड्रॉ किया है मैंने, मतलब 5 एंगल पे। तो ये कौन सा पॉइंट है, Q2 है ये, कौन सा है, Q2। तो इसका नाम Q2 होगा, ये Q नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही ये Q2 मिल जाएगा, मैं यहाँ से इसका लोकस ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ से एक लोकस मैंने ड्रॉ किया, अब इस लोकस पे मुझे पॉइंट Q मिलने वाला है। ठीक है, कितना एंगल है ये, दिस एंगल इज 30 डिग्री। कितना एंगल है ये एंगल है 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एंगल को मैंने ड्रॉ कर लिया। अब बचा क्या है इसमें, अब बचा ये है कि मुझे दोनों टू एंड की लाइन मिल चुकी हैं, मगर फ्रंट व्यू टॉप व्यू नहीं मिला अभी तक। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए, इसमें आप ध्यान देंगे तो मेरे पास Q2 पॉइंट है ना। Q2 से क्या करना है, मुझे सीधे ऊपर जाना है, XY के परपेंडिकुलर किसके लोकस तक जाना है, P डैश के लोकस तक, यानी कि इस लाइन तक जाना है मुझे। चले जाऊँ मैं, तो मैं क्या करता हूँ, ड्राफ्टर चेक कर लेता हूँ, ड्राफ्टर इज ना ओके, और सीधे यहाँ से कहाँ जाऊँगा, बिल्कुल यहाँ पर। अब देखिए ये Q2 था, तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा Q2 dash। तो इसका नाम क्या हो गया, Q2 dash। क्या नाम हो गया इसका, Q2 dash। देखिए यहाँ पे नाम क्या है इसका, Q2 dash ही नाम है ना इसका। मैं इसको इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो, ये Q2 dash। अब क्या करना है मुझे, Q2 dash आ गया ना मेरा, P dash को सेंटर मानना है, Q2 dash से आग लगाना है जो इस M डैश लोकस पे कट करेगा। और नीचे लोकस कौन सा, ये N है और ये N डैश। तो M डैश पे कट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे P डैश को सेंटर मानना, देखिए फिगर में दिखते जाएगी जैसा वहाँ है ना वैसे ही मुझे करना है। तो P डैश को सेंटर मानना है, Q डैश से मुझे एक आग ड्रॉ करना है। तो Q डैश से मैंने एक यहाँ पे एक आग ड्रॉ किया जो ऊपर लोकस पे कट करेगा, जहाँ पे कट करेगा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, Q डैश। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे Q डैश। ठीक है, इसका नाम दे दिया Q डैश। अब मैं क्या कर सकता हूँ, P डैश Q डैश को डार्क लाइन से जोड़ दूँ। अगर P डैश Q डैश को मैं डार्क लाइन से जोड़ता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी द फ्रंट व्यू। क्या बन जाएगा, ये फ्रंट व्यू हो जाएगा। तो ये फ्रंट व्यू P डैश Q डैश आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, देखिए Q1 dash यहाँ पर है। ओके, Q1 dash यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है। मुझे क्या करना है, लाइन सीधे बिल्कुल नीचे लेके आना है। कहाँ तक लेके आना है, पी के लोकस तक ले आऊँ मैं। ओके, ड्राफ्टर सेट करता हूँ, ड्राफ्टर इज ओके। अब इसको लाइट लाइन से मिलाऊंगा, Q1 dash को कहाँ लाऊंगा, यहाँ तक लेके आऊँगा। कहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि इस एक्स्ट्रा लाइन की मुझे अब आवश्यकता नहीं है। इसे मैं रब कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर आ गया, ये Q1 dash नाम था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम Q1 हो जाएगा। सिंपल सी नेमिंग है। फिर क्या करना है, देखिए यहाँ पे Q1 तक आ गया मैं। अब क्या करना है, P को सेंटर मानना है, यहाँ से आग लगाना है, जो लोकस N डैश पे कट करेगा मुझे पॉइंट Q मिल जाएगा। तो वही काम करता हूँ मैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने P को सेंटर माना, ओके, और Q1 पर रखा, और यहाँ से मैंने एक आग लाइट लाइन से लगा दिया। एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत हो गया, माइनर सा कॉम्पास मेरा हल्का सा हिल गया था। ठीक है, इसको अपन करेक्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ओके, जहाँ पर ये इंटरसेट होगा
दिस पॉइंट इज, देखिए यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, क्या नेमिंग है, क्यू है, तो ये हो जाएगा पॉइंट क्यू। अब मैं पी क्यू को आपस में डार्क लाइन से ज्वाइन कर लेता हूँ, ये कहलाएगा इसका टॉप व्यू। क्या कहलाएगा ये? टॉप व्यू कहलाएगा, और दिस इज टॉप व्यू। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया। हमें क्वेश्चन में बोला गया था इसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने थे मुझे, फ्रंट व्यू टॉप व्यू मैंने ड्रॉ कर लिए, डायमेंशनिंग बाकी है। और डायमेंशनिंग में क्या क्या करना है, आपको टू लेंथ शो करना है। तो पहले इसके लेंथ को मैं शो कर देता हूँ, इसका लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक, इसको मुझे शो करना पड़ेगा। दो एक्सटेंशन लाइन लिया, अब मैंने डायमेंशन लाइन लिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बनाया एरोस, एक यहाँ बनाया, एक एरो मैंने यहाँ बनाया, एक एरो मैंने यहाँ बनाया, एक एरो मैंने यहाँ बनाया। इसका लेंथ कितना था, दिस इज 30, दिस इज 20, और टू लेंथ कितना 70 है। तो 70 डायमेंशनिंग करके ऊपर आप लिख सकते हैं, या फिर डायमेंशनिंग करके नीचे आप लिख सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है, तो अगले क्वेश्चन में मैं लिख दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं दिस डिस्टेंस इज 70 mm ट्रू लेंथ। ओके, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 70 है। एक जगह टू लेंथ को आप डायमेंशन दे दें, सफिशियंट है। ठीक है, अगर स्पेस होता तो मैं डायमेंशनिंग कर, अगले क्वेश्चन में डायमेंशनिंग में कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म होता है, हमने इसके प्रोविजंस ड्रॉ कर लिए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।